हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार जियो टीवी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग चेंजिंग किस तरह से की जाती है, आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैक चेंज क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रैक चेंज का यूज करना, ट्रैकिंग किस तरह से की जाती है और ट्रैक में चेंजेस किस तरह से एक्सेप्ट व रिजेक्ट किए जाते हैं। जानेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रैकिंग कहते किसे हैं। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि आपकी एब्सेंस में आपके पीछे कोई भी आपके उस डॉक्यूमेंट को यदि चेंज करता है, एडिट करता है, और वो एडिटिंग आपके डॉक्यूमेंट में परमानेंट सेव नहीं होनी चाहिए, आप ये चाहते हैं, और उसमें से आप चाहते हैं कि मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूं, कुछ एडिटिंग मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम ट्रैक चेंज का यूज करेंगे दोस्तों। तो ट्रैकिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ट्रैक चेंज को अलाउ करना होगा। ट्रैक चेंज को अलाउ करने के लिए हमें ट्रैक चेंज पर क्लिक करना होता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ट्रैक चेंज को अलाउ तो हमने कर दिया, तो अब तो कोई भी यहां चेंजिंग करेगा तो वो ट्रैक हो जाएगा, लेकिन कोई भी चाहेगा तो इस ट्रैक चेंज को यहां से डिसेबल भी कर सकता है, हटा भी सकता है। तो उसको पता होगा कि मेरी ट्रैकिंग हो रही है तो मैं यहां से इसको हटा भी सकता हूं, उसको डिसेबल भी कर दूं। तो हम क्या चाहते हैं कि इस ट्रैक चेंज ऑप्शन को यहां पर ट्रैकिंग लॉक कर दें इसकी, तो जिससे क्या होगा कि ट्रैक चेंज हम करेंगे तो वो ट्रैक चेंज हमेशा ऑन रहेगा और कोई भी व्यक्ति उसमें ट्रैक चेंज ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर सकता। तो मैं ट्रैक लॉक ट्रैकिंग कैसे करूंगा दोस्तों, जैसे ही लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हम एक छोटा सा पासवर्ड दे देते हैं 123, देन अगेन 123 और ओके। तो दोस्तों अब ये ट्रैक चेंज ऑप्शन डिसेबल हो चुका है, यानी यहां से अब सिर्फ ये ऑन रहेगा, ऑफ नहीं कर सकता कोई इसको, और यदि ऑफ करना चाहेगा तो यहां पर उसके लिए पासवर्ड की जरूरत होगी। तो दोस्तों हमने ये सब क्यों किया, अब वो देखते हैं। पहला पार्ट यहां खत्म किया हमने, इस फाइल को सेव कर दिया, इस फाइल को सेव कर दिया किसी नाम से। मान लीजिए नाम हमने रख दिया इस फाइल का ओरिजिनल, तो दोस्तों ओरिजिनल नाम से फाइल को सेव कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति इस फाइल को ओपन करने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग करता है, अब दोस्तों इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहां किसी ने कुछ चेंजेस किया है। तो कैसे पता चलेगा हमें किसी ने कहां चेंजिंग किया हुआ है, तो यहां एक मार्कअप चिन्ह लग के आ जाएंगे, ये रेड कलर की लाइंस नजर आ रही है, ये बता रही है कि जिस पैराग्राफ में चेंजिंग किया है वहां पर ये निशान बन के आएगा दोस्तों। और इसके अलावा यहां पर एक कमेंट का भी बॉक्स बन के आ रहा है, कमेंट का चिन्ह बन के आ रहा है, तो किसने क्या चेंजिंग की है ये हमें चेंजिंग देखनी है दोस्तों। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये समझ लेते हैं इन ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन लिखा हुआ है सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप पे क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मार्कअप नजर आएगा, हम ये नहीं देख सकते कि इसमें चेंजिंग क्या किया हुआ है। नॉर्मली फॉर्मेटिंग चेंजिंग जो की है वो तो दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ किसी ने इटैलिक कर दिया वो नजर आ रहा है, किसी ने यहाँ फॉन्ट चेंज किया हुआ है वो नजर आ रहा है, बाकी यहाँ पर कमेंट क्या है वो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर क्लिक करना होगा तो कमेंट नजर आएगा। तो ये सारे चेंजिंग हमें एक साथ नजर आने चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि क्या किया हुआ है, यहाँ पे किसी ने फॉर्मेटिंग चेंज किया, इटैलिक चेंज किया है वर्ड्स को, और इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है किसी ने अल्जेरियन, और यहाँ पे कोई चीज डिलीट की गई है और उसकी जगह पर ये चेंज किया गया है, ऐसे यहाँ पे चीज डिलीट की गई उसकी जगह चेंज किया गया और यहाँ पर ये कमेंट दिया हुआ दोस्तों। तो जितने भी चेंजेस हमारे ट्रैक में किसी ने किए होंगे तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में किसने चेंजिंग की है, तो वो ट्रैकिंग में पता चल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा यहां पे एक ऑप्शन है नो मार्कअप। जब हम नो मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो यहां से सारे मार्कअप हटा दिए जाएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट फाइनली तैयार हो चुका है चेंजेस होने के बाद उस तरह से आपको यहां नजर आएगा। और यदि मैं इसमें ओरिजिनल पे क्लिक करता हूं दोस्तों तो आपको यहां सिर्फ वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जो चेंज होने से पहले था, यानी यहाँ पे जो वर्ड डिलीट करके नया चेंज किया था वो आपको अब नहीं दिखाई दे रहा, जो पहले जैसे था फॉन्ट यहाँ इटैलिक अब नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर फॉन्ट भी नहीं चेंज हो रहा, तो ये सारी चीजें आपको पुरानी नजर आएंगी दोस्तों। तो इस तरह से हम सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप इनका यूज करते हुए जाएंगे। अब हम दोस्तों ऑल मार्कअप फिर से ले लेते हैं। अब बात करते हैं शो मार्कअप की। शो मार्कअप में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कमेंट्स हमें यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इंसर्शन डिलीशन फॉर्मेटिंग,
बैलून्स, ये सब, तो ये सारी चीजें होती क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिस पे टिक लगा होगा वो चीज हमें यहाँ नजर आएगी। तो मान लीजिए हम सभी से टिक हटा देते हैं, सपोज दैट मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन वाले ऑप्शन ही दिखने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ इंसर्शन डिलीशन पर टिक लगाया हुआ, तो यहाँ मुझे इंसर्ट और डिलीशन वाले ही चीजें नजर आ रही है। मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग वाली भी चीजें नजर आए, फॉर्मेट किस किसने डॉक्यूमेंट में क्या चेंज किया है, तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे फॉन्ट को इटैलिक किया है और यहाँ पर फॉन्ट को चेंज किया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम उन चीजों पर टिक लगा देंगे जो जो चीजें हमें यहाँ पर शो करनी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है बैलून दिया हुआ है। दोस्तों बैलून का मतलब क्या है, अगर मैं शो रिवीजन इन बैलून करता हूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो इंसर्ट और डिलीट किए हुए चीजें यहाँ नजर आ रही थी डायरेक्टली, वो अब आपको यहाँ पर आगे बैलून के रूप में नजर आ रही है। बैलून के अंदर यहाँ बता रहा है कि ये डिलीट किया गया है और यहाँ पर बताया गया ये डिलीट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ शो मार्कअप बैलून्स में जाकर के अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ शो ऑल रिविजन्स इन लाइन, तो यहाँ पर सिर्फ लाइंस में मुझे बताया जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली देखो ये डिलीशन इंसर्शन लाइंस में ही नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ बैलून्स में कि शो ऑनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग्स इन बैलून, तो यहाँ बैलून्स में केवल फॉर्मेटिंग और कमेंट्स बॉक्स ही नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर जो ऑप्शन पहले था शो रिविजन इन बैलून्स, तो सारे रिविजन मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे वो डिलीट किए हुए हो चाहे वो फॉर्मेटिंग या कमेंट हो। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक रिव्यूइंग पेन ऑप्शन है, रिव्यूइंग पेन पे आप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको बता देगा कि रिविजन यानी चेंजेस कितने किसने किए हैं। यहाँ पर तो बता रहा है कि सिंट नाम के ऑथर ने सिंट फॉर्मेटिंग चेंज किया, इटैलिक चेंज किया है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है, ये वर्ड डिलीट किया है, इसकी जगह ये चेंज किया है, इसको डिलीट किया है, इसकी जगह ये चेंज किया है, और सिट ने कमेंट किया है हेलो फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ रिव्यू कर सकते हैं अपने चेंजेस को। तो आपने दोस्तों देखा ट्रैकिंग किस तरीके से की जाती है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि जो ट्रैकिंग हमने की है, ट्रैकिंग के दौरान हमें जो चेंजेस पता चले हैं, क्या हमें उनमें से कुछ चेंजेस हम यहाँ पर रखना चाहते हैं या कुछ चेंजेस हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रैक चेंज जो हमने लॉक किया उसकी लॉक हटाना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले हम लॉक पे जाकर के इसका पासवर्ड हमें जो वही देना है जिससे हमने लॉक किया था, और ओके करते ही लॉक हट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन आते हैं अगले चेंजेस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इनको यूज करने के लिए हमें प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। प्रीवियस और नेक्स्ट की मदद से हम उस चेंजेस पे चले जाएंगे जो चेंजेस हमें लगता हो कि उसे हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो मान लीजिए हमें ये इटैलिक हमें नहीं करना था, तो इटैलिक वाले चेंजेस पे आकर के हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ही रिजेक्ट करेंगे दोस्तों आपने देखा वो इटैलिक से हट चुका है, और ये यहाँ पर जो फॉन्ट चेंज किया है किसी ने, तो हम चाहते हैं कि ये फॉन्ट चेंज होना ही चाहिए, सही लग रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा बात आती है यहाँ पर कि एजुकेशन जो पहले लिखा हुआ था क्या वो डिलीट होना चाहिए, यदि वो डिलीट होना चाहिए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर लिखा हुआ आना चाहिए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स है कि कमेंट ये आप चाहते हो कमेंट यहाँ होना चाहिए तो एक्सेप्ट, नहीं होना चाहिए तो रिजेक्ट, हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो कमेंट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से एमएस ऑफिस यहाँ पर लर्निंग, एमएस ऑफिस जो है वो कंप्यूटर की जगह पर लिखा था, तो कंप्यूटर शब्द यहाँ पे डिलीट होना चाहिए, आप चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट कर दोगे, और एमएस ऑफिस लिखा हुआ होना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट कर दोगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रैकिंग की, पहले तो ट्रैकिंग करके हमें पता चला कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने चेंजेस हुए हैं, फिर उसके बाद हमने अपनी मर्जी से जो जो चेंजेस हमने स्वीकार करने थे तो उनको एक्सेप्ट किया, और जो चेंजेस हमें रिजेक्ट करने थे उसको रिजेक्ट किया। थैंक्स।